मेयर सीट पर कब्जा करने वाले विनोद अग्रवाल के निवास पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। कोई फल माला पहनाकर तो कोई मिठाई खिलाकर मेयर को शुभकामनाएं देता नजर आया। विनोद अग्रवाल के साथ उनकी पुत्र वधू प्रिया अग्रवाल, महेश अग्रवाल साथ बहुत उत्साहित दिखाई दिए। विनोद अग्रवाल को बधाई देने वालों में कोटीपाल डेंटल कॉलेज के निदेशक के मिश्रा, भाजपा नेता मनोज गुप्ता समेत कई दिग्गज नजर आए। इसी कार्यक्रम में नव निर्वाचित मेयर विनोद अग्रवाल से पब्लिक टीवी इंडिया के विशेष संवाददाता अंकित चौहान से खास बातचीत की, जहां विनोद अग्रवाल ने बताया कि किस तरह से भाजपा ने जीत हासिल की और साथ ही कई मुद्दों पर विनोद अग्रवाल ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही महेश अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पब्लिक टीवी की टीम पहुंच चुकी है अब महापौर जी के कार्यालय पर, जो नव निर्वाचित महापौर बने हैं। अब देखना ये होगा कि मुरादाबाद की जनता से जो वायदे किए हैं उन्हें उन पर कितना खरा उतरेंगे और क्या विकास के मुद्दे रहे हैं अब तक और किन विकास के मुद्दों पर आगे काम करने की तैयारी में है। इन्हीं सब बातों के जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं विनोद अग्रवाल जी के पास में, जो सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको भी शुभकामनाएं महापौर, जानेंगे कि क्षेत्र की जनता से जिस तरह का जनता ने प्यार दिया है उस पर क्या कहेंगे। सर्वप्रथम जनता का आभार, अभिनंदन। जिन लोगों ने भी मुझे वोट दिया है उन सबका विशेष रूप से आभारी हूँ। जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं जरूर पूरी करने का प्रयास करूंगा। पिछले 16 वर्षों का अनुभव इस बात के लिए जल्द से जल्द चूंकि ये कार्य शुरू हो जाए ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। केंद्र सरकार के द्वारा 14 वित्त आयोग, प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग, अवस्थापना निधि, अमृत योजना, बहुत सारी इस समय विकल्प हैं, स्मार्ट सिटी, ये सब चीज़ें जब सामने इकट्ठी करके महानगर में विकास के पहिए को आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुरादाबाद बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना। मुरादाबाद की जनता की हमेशा ख्वाहिशें रही हैं, कुछ ज़्यादा ही मुरादाबाद ने मांगा है, लेकिन क्या मुरादाबाद आगे कितना आगे पहुंचने वाला है अब 5 साल? मुरादाबाद बहुत पुराना शहर है, 400 वर्ष पूर्व इसकी संरचना हुई थी, पुराना शहर है, आबादी कुछ जगहों पे हो गई है, उस आबादी को बाहर जाना होगा तभी यहाँ पर ट्रैफिक की जाम की समस्या कम होगी। क्योंकि सड़कें बहुत छोटी हैं वही हैं और दोनों तरफ बढ़ने की कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है। पुराने बाजार हैं उनमें थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, बाकी हमने नया मुरादाबाद बसाया है। अपील है मेरी लोगों से बाहर निकलें, अपने उन जगहों पर बसें ताकि आबादी जिस तरह बढ़ी है उसी तरह निकल के क्षेत्र का भी विकास हुआ है। आज 20 वर्ष हो गए हैं नगर पालिका से महापालिका बने हुए, परंतु चाहे वो बुद्धि विहार हो, चाहे वो नया मुरादाबाद हो, चाहे वो रामगंगा विहार हो, चाहे वो एकता विहार हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो, अभी तक ये पिछले 20 वर्षों से अविकसित पड़े हुए हैं। इन सबको भी मैं विकसित कराने के लिए, लोगों को वहाँ पहुँचाने के लिए उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी ताकि लोग वहाँ पर बसे और मुरादाबाद का अंदर के पुराने शहर का कुछ हिस्सा आबादी का उस जगह पर जाके बसे। महापौर रही वीना अग्रवाल जी का एक सपना था स्मार्ट सिटी, उस पर कितना खराब उतर गया। बहुत जल्दी अगले महीने जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्मार्ट सिटी की घोषणा होने जा रही है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, ये आपके लिए अग्रिम मेरी ओर से पहले मैं बता दूं। चूंकि हमारे सारे प्रस्ताव इस बार पूर्ण रूप से स्टेट लेवल कमेटी जो है वहाँ मंजूर हो चुके हैं, केंद्र के अंदर भी मंजूर होने की पूरी संभावना है, वहाँ पर भी एक बार अब मैं उसको परसों करूँगा। गोविंद नगर फुट ओवर ब्रिज, कपूर कंपनी पर नया पुल, सोनकपुर ब्रिज, ये सब बनने से भी ट्रैफिक में जाम में उसमें मदद मिलेगी, छुटकारा मिलेगा।
अच्छा, इसके साथ ही अगर बात करें महापौर के चुनाव की, निकाय चुनाव की अगर बात करें, विपक्ष था, लोग थे, बहुत सारे प्रत्याशी भी ऐसे लोग थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक दर्द भी था, खौफ भी था, कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था, उसको उसका कैसे सामना किया आपने उस बात? मुझे कोई डर नहीं था, मैंने काम किया है, विकास किया है, जनता का काम किया है, जनता के बीच में रहा हूँ, इसीलिए पार्टी ने पांचवी बार टिकट दिया और मैं तो मान के चलूँगा पांचों बार ही हम जीते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर फाइट की बात करें तो समाजवादी पार्टी उस टाइम पे फाइट में थी, लेकिन उसका कुछ अलग ही देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के 5 वर्ष के कार्यकाल में जो प्रत्याशी इस बार मेयर के थे वो भी विधायक थे, तो जनता ने पूछा है उनसे कि आपने 5 वर्ष में अपनी सरकार में रहते हुए, विधायक रहते हुए आपने क्या किया, तो वो शून्य से भाग हो गए, तो इसीलिए उसका परिणाम उनका 3rd नंबर पर पहुंचकर उनको मिला। अच्छा, इस बात का ये बात मानते हैं कि इस बार के जो परिणाम थे वो चौंकाने वाले थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जो मेरी जीत थी वो 40,000 वोटों से मिलनी थी, जो किन्हीं कारणों से कम पोलिंग होने के कारण, कम पोलिंग होने के कारण, मतदाताओं में कम जागरूकता होने के कारण, वोटिंग परसेंटेज अत्यधिक कम होने के कारण उस पर प्रभाव पड़ा, फिर भी जितनी जीत जनता ने मुझे दी है वो मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में बहुत काफ़ी है। मुरादाबाद की जनता, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता का सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग मिलेगा और मुरादाबाद का विकास होगा। क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुरादाबाद? आज हमारा शहर मुरादाबाद अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमारे भाई श्री विनोद अग्रवाल जी की जीत की खुशी मना रहा है, और पूरे शहर में बहुत ही हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों में इतना ज़्यादा उत्साह है उनकी जीत का कि हमने मुरादाबाद के अलावा जो यूपी के अंदर कि हमने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा गढ़, जो एक बहुत बड़ा गढ़ हमें हमारे जो मतलब माननीय मोदी जी की जो इच्छाएँ थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ताकि हमारा जो प्रदेश के साथ साथ जो हमारा ये हमारा शहर है, इस शहर एक ये बहुत ही ज़्यादा व्यवसायिक शहर है, इसके अंदर अगर हमारे एक्सपोर्ट का व्यापार बढ़ता है, हमारा लोकल का व्यापार बढ़ता है, तो उससे इस क्षेत्र की जो उन्नति है जो पिछले 3-4 सालों से डाउनवर्ड्स जा रही है, अगर वो यहाँ का नागरिक खुश होगा, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, तो हमारे शहर के अंदर भी तरक्की होगी। जो छोटी छोटी जन समस्याएं हैं और वो तो पिछले 20-25 सालों से चली आ रही हैं, मैं सोचता हूँ कि जब बीजेपी की सरकार सभी क्षेत्रों में है तो सब मिलजुल के अगर काम करेंगे तो मुरादाबाद क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो बूचड़खाना नया बनना है, जेल नहीं बननी है, बस अड्डा यहाँ से हटना है, जो बुनियादी हैं जिसकी वजह से हमारा शहर जो है जूझ रहा है, हमारी यहाँ की आबादी जो है 1990 में 2 लाख की थी, 1980 से 90 के दशक में, जो आज 12 लाख की हो गई है, लेकिन जो एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ रामगंगा है, एक तरफ गांगन नदी है, जिसकी वजह से इसका विस्तार नहीं हुआ, खाली कांट रोड ही बढ़ा। अगर मैं चाहूँगा कि यहाँ का MDA अगर नए मुरादाबाद को डेवलप करना चाहता है तो 60 मीटर रोड पे जो अगवानपुर वाला जो एक थोड़ा सा पुल बनना है, छोटा सा 100 मीटर का पुल है गंगन नदी के ऊपर, वो बन जाए तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की आबादी है वो जैसे कांट रोड पर गई है और ऐसे ही वहाँ पर भी चली जाएगी, और मुरादाबाद क्षेत्र जो अपने एक जाम के ऊपर जूझ रहा है वो निश्चित ही और वो अपनी ये समस्या अपना भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो रेलवे की जो सफाई की व्यवस्था, पानी की निकासी है, जो रेलवे रोड कोठीवाल नगर असरतपुरा पर जो पानी का भराव होता है उसका पूरा जो है सबसे बड़ी खराबी रेलवे की है। हमारे रेलवे की जो बस अड्डे के सामने पुरानी पुलिया है वो 100 वर्ष पुरानी है, 100 वर्ष पुरानी होने की वजह से उसका पानी की निकासी नहीं है। मैं चाहता हूँ कल हमारे मनोज सिन्हा रेल मंत्री मुरादाबाद क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सब हमारे लोग मिल करके उनसे मिलें और जो पत्रकार बंधु भी हैं उनको वो दिखाएं कि कितनी गंदगी है बस अड्डे से लेकर KG के कॉलेज तक, वो सफाई नहीं हुई है पिछले 5 साल तक,
और हम ये कहते हैं कि नगर निगम की वजह से यहाँ पर जलभराव होता है, लेकिन इसका वास्तविक कारण यह है कि रेलवे जो है कभी अपने एरिया की सफाई नहीं कराता, और जब हम बहुत बार प्रशासन लिख लिख के देता है तभी ऐसा काम होता है। तो आइए हम सब मिलकर के इस मुरादाबाद की जो जलभराव की समस्या है, जो हमारी जाम की समस्या है, उनको जो जो जिन जो डिपार्टमेंट हैं उनसे जाकर उनको मिलें और उनसे इसका निवारण करें। और क्योंकि जब चारों गवर्नमेंट ही एक पार्टी की हैं तो हमें प्रयास करके, इसके अंदर खाली नेता ही प्रयास नहीं करता है, इसमें हमें जो जन अधिकारी जो हमारे जनता है वो सबको मिलकर के अच्छी सोच के साथ काम करना चाहिए, ताकि हमारा शहर जल भराव की समस्या से और जाम की समस्या से निकल जाए। जय हिंद, जय भारत।